नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साफ साफ फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सौर्य ने बोल दिया है कि मैं इस बार ऐसा कुछ करूँगा कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। पहली बात तो यहाँ पर सोने का प्लान बनवाता हुआ नज़र आ रहा है। सौर्य ने राजवीर को जो दिया है वो वाकई में दोस्तों घना ही दिलचस्प है, क्योंकि उसको प्रसाद में नशीला पदार्थ दे दिया है। नशीला पदार्थ भी इसलिए दिया है ताकि किसी को भी कुछ शक ना हो और वो अपना काम पूर्ण रूप से कर दे दोस्तों। लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना ईजी इन लोगों ने सोच लिया है, क्योंकि सौर्य को और निधि को लग रहा था कि वो लगातार राजवीर के साथ में कुछ बुरा करेंगे। लेकिन दोस्तों राजवीर के साथ में बुरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राजवीर के साथ में पूरा परिवार साथ देता है दोस्तों। राजवीर को पसंद भी करता है और चाहे करण की पूरी फैमिली इस समय पसंद करती है सिर्फ सौर्य को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों सौर्य को अभी पता नहीं है कि निधि ही इस घर की जो असली विलेन है, इस घर की निधि ही है। क्योंकि जो भी कुछ गंदा कर रही है इस घर में वो कोई और नहीं बल्कि निधि का ही टोटल प्लान चल रहा है, और निधि वास्तविक ऐसे ऐसे कर्मकांड कर रही है कि जो उसे नहीं करने चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन उसने भी कसम खाई है निधि ने भी कि इस घर को पूर्ण रूप से वो बर्बाद करके ही दम लेगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट कहानी के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग थोड़े नहीं बल्कि समय अलग ही लेवल पर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेवल भी देखो कि सबका अलग अलग अपनी तरीका से लेवल भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर साफ साफ मिहिका यहाँ पर साफ साफ सृष्टि बोलती हुई नज़र आने वाली है कि हम निधि को एक्सपोज जरूर करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको।